यूपी पुलिस के दागी पुलिस कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। आगरा में 2 दिन के अंदर 12 दरोगा, 6 मुंशी सहित 56 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। आगरा में भ्रष्ट और लापरवाह पुलिस कर्मियों पर बृहस्पतिवार को दूसरे दिन भी कार्रवाई का चाबुक चला। पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त रूप अख्तियार किया है। तीनों जोन के DCP को सूची बनाकर निलंबन के आदेश दिए थे। बृहस्पतिवार को DCP पूर्वी अतुल कुमार शर्मा ने समसाबाद में तैनात प्रशिक्षु महिला दरोगा मिनाली चौधरी और डौकी में तैनात मुख्य आरक्षी सुबोध कुमार को निलंबित किया है। दोनों पर पासपोर्ट सत्यापन में अवैध वसूली के आरोप थे। जांच कराई तो आवेदकों ने वसूली की पुष्टि की, जिसके बाद कार्रवाई की गई।